हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन योर लेसन एंड टॉपिक इज रियल फ्रेंड्स, हमारे सच्चे मित्र। मिस्टर कमल हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड हिज हाउस। इस चैप्टर में मिस्टर कमल हैं जिनके पास एक बहुत अच्छा गार्डन है जो उनके घर के चारों ओर है। देयर वर मैनी बिग एंड स्मॉल ट्रीज इन द गार्डन। उनके गार्डन में छोटे बड़े सभी प्रकार के पेड़ हैं। वंस ए स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म नॉक डाउन। एक बार एक बहुत भयानक तूफान आता है। ट्री इन द गार्डन एंड द गार्डनर ऑल्सो गोट अवे विद ए फ्यू ब्रूजिज। ब्रूजिज कहते हैं घायल हो जाना। और उस वहां पर जब तूफान आता है तो गार्डन का जो माली होता है, गार्डनर जो होता है, वो उस तूफान में थोड़ा सा उसको चोट लग जाती है क्योंकि पेड़ गिर जाता है। पेड़ के गिरने से उसको चोट लग जाती है, वो घायल हो जाता है। पुअर मैन सेड द मिस्टर कमल टू हिज लिटिल डॉटर वंशिका। मिस्टर कमल, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है वंशिका। वंशिका को कहते हैं बेचारा आदमी। ही वुड हैव बीन किल्ड डैडी, आई डोंट लाइक ट्री। उनकी बेटी कहती है वंशिका कि डैडी बेचारा उसको वो मर जाता, मुझे इस तरीके का पेड़ बहुत पसंद, मतलब कि मुझे अच्छे नहीं लगते। नो माई डियर चाइल्ड सेड मिस्टर कमल। मिस्टर कमल कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं है। दे आर अवर रियल फ्रेंड्स, ये हमारे वास्तव में सच्चे मित्र होते हैं। यू लाइक जैम मैरमलेड एंड फ्रूट सैलेड डोंट यू। वो कहते उसको समझाते हुए कहते हैं कि जैसे तुम जैम पसंद करती हो, मुरब्बा चटनी पसंद करती हो, फ्रूट सैलेड पसंद करती हो, क्या तुम्हें ये सब अच्छे नहीं लगते? इसी तरीके से पेड़ भी अच्छे लगते हैं। ओ श्योर डैडी सैड लिटिल वंशिका। वेल ऑल दीज थिंग्स आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो कहते कि अच्छा, ये सारी चीजें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो बनी हुई हैं वो इसी से बनी हुई हैं। These fruits and vegetables grow on trees. Fruits यानी फल और सब्जियाँ पेड़ों पर उगते हैं। Can you tell me the name of some fruits which we get from trees? क्या तुम मुझे बता सकती हो कुछ ऐसे fruits के नाम जो हमें पेड़ों से मिलते हैं? Yes, Daddy, said Vanshika. The apple, the mango, the guava, the banana and the chiku are some of the fruits which वी गेट फ्रॉम ट्रीज। और फिर वंशिका बताती है कि जो पेड़ों से मिलने वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एप्पल, मैंगो, गवावा, गवावा मीन्स अमरूद, बनाना और चीकू, ये सारे फ्रूट्स हमें ट्री से ही मिलते हैं। मिस्टर कमल आस्क्ड, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ सम अदर कॉमन ट्रीज दैट आर यूज फॉर मेडिसिंस एंड अदर प्रोडक्ट्स। मिस्टर कमल अपनी बेटी वंशिका को बोलते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कुछ ऐसे पेड़ जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वंशिका रिप्लाइड, वंशिका जवाब देती है, द नीम, द बैनियन, बैनियन का मीनिंग होता है बरगद, द पीपल, द कोकोनट एंड द गुलमोहर आर सम ऑफ द अदर कॉमन ट्रीज आई नो। वो उन सब के नाम बताती है और कहती है ये सारे हमें जितने भी नीम है, बैनियन है, पीपल, गुलमोहर, कोकोनट, इन सबसे हमें मेडिसिन मिलती है। गुड सेड मिस्टर कमल, दे आर ऑल यूजफुल टू अस। और कमल के मिस्टर कमल कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए बहुत ही लाभफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। दे गिव अस मेडिसिन, ये हमें मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं। दे गिव अस फूड, हमें लकड़ी देते हैं। दे ब्रिंग अस द रेन, ये हमारे लिए वर्षा करते हैं। दे प्यूरिफाई द एयर, ये हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। दे गिव शेल्टर, ये शरण देते हैं टू द पीपल, लोगों को, बर्ड्स चिड़ियाओं को एंड एनिमल्स पशुओं को। वंशिका आस्क्ड, आर स्मॉल प्लांट्स आल्सो यूजफुल टू अस। वो कहते हैं कि क्या छोटे छोटे प्लांट्स भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं? यस डियर सेड मिस्टर कमल, स्मॉल प्लांट्स आर आल्सो यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। और इस तरीके से मिस्टर कमल बोलते कि हाँ छोटे प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं अलग अलग तरीकों से। दे गिव अस फूड ग्रेन्स, वो हमें अनाज देते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां देते हैं एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स, और बहुत सारी यूजफुल थिंग्स देते हैं। बैग्स, रॉप्स, रॉप्स होती है रस्सी, कारपेट्स एंड पिलोज एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स। जैसे कि वो बताते हैं कि हमारे जो बैग होते हैं, रॉप होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, कारपेट होते हैं, बिछाने वाले दरी कालीन होते हैं, पिलो तकिए होते हैं, ये सारे हमारे कॉटन और जूट प्लांट से बने होते हैं। द फ्लावर्स ऑफ
These small plants may cover nature beautiful. और छोटे छोटे प्लांट्स पे, छोटे छोटे पौधे पे जो फूल होते हैं वो हमारी प्रकृति को बहुत सुंदर बनाते हैं. वंशिका asked, How do trees purify the air? वंशिका पूछती है कि ये हमारी हवा को शुद्ध कैसे करते हैं. मिस्टर कमल रिप्लाइड, मिस्टर कमल जवाब देते हैं, दे गिव अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ऑक्सीजन उन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनमें प्राण होते हैं, जो जीवित होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं. दस इस प्रकार से ट्रीज गिव अस द प्योर ऑक्सीजन, इस तरीके से पेड़ जो हमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं. इनफैक्ट वास्तव में नो लाइफ वुड बी पॉसिबल इफ देयर आर नो ट्रीज, वो कहते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन संभव नहीं होता अगर पेड़ ना होते. थैंक यू डैडी, सेड वंशिका, वंशिका अपने पापा को थैंक यू बोलती है. नाउ आई हैव कम टू नो, अब मुझे मालूम हो गया हाउ यूजफुल ट्रीज एंड प्लांट्स आर, कि किस तरीके से पेड़ पौधे हमारे लिए यूजफुल होते हैं. दे आर रियली अवर फ्रेंड्स, वो वास्तव में हमारे मित्र होते हैं. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और हमें इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए. थैंक यू.